डिलीवरी की डेट नजदीक आते आते अगर आप भी परेशान हैं फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन को लेकर, यानी कि आपको बार बार पेशाब आ रहा है, बहुत ज्यादा सेंसेशन लगती है, पेशाब आते आते पेट में दर्द होता है, योनि मार्ग में दर्द होता है, तो इसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, क्या ये नॉर्मल डिलीवरी का सिम्टम है या कॉम्प्लिकेशन आपकी बॉडी में आ चुके हैं, आइए हम जानते हैं। उससे पहले चैनल में पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक करके जरूर जाइएगा। तो फ्रेंड्स, नौवां महीना आ चुका है, यानी कि बच्चे ने कर लिया है सर नीचे। बच्चे का प्रेशर 2.5 से 3.5 या 4 किलो के बीच तक का बच्चा होता है, जिसका पूरा भार आपके पेशाब की थैली पर ऐसे पड़ता है। पेशाब की थैली नीचे है, यूट्रस ऊपर है, तो बच्चे का भार, यूट्रस का भार पड़ेगा, जिसके कारण पेशाब की थैली ज्यादा देर तक पेशाब को होल्ड नहीं कर पाती है। प्रेशर पड़ने के कारण दर्द भी आपको महसूस होगा, पेशाब करते समय दबाव भी महसूस होगा और फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की समस्या भी रहेगी। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, मोस्ट ऑफ द वुमेन्स को ऐसा महसूस होता है। जो कि नेचुरल सा एक प्रोसेस है, बच्चा सा नीचे करेगा तो पेशाब ज्यादा आएगा, पेशाब ज्यादा टपकेगा और निचले अंगों में आपको दर्द महसूस होगा। डरना नहीं है, ये नॉर्मल डिलीवरी का भी लक्षण माना जाता है, जो बताता है बच्चा कर चुका है सर नीचे। डेंजरस तब होता है जब पेशाब बार बार आ रहा है, बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, पेशाब में ज्यादा स्मेल है, ज्यादा डार्क है, पेशाब बार बार टपक रहा है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली टपक रहा है, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, निचले अंगों में दाने आ चुके हैं, खुजली है, ठीक है, हल्की फुल्की स्वेलिंग खुजली के साथ महसूस कर रही है, बदबू ज्यादा आ रही है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, ये इशारा है, ठीक है। और रात के समय में ज्यादा पेशाब आपको आ रहा है, तो ये इशारा है कि ज्यादा पेशाब टपकना और रात के समय में आना, यूटीआई आपको हो चुका है या होने वाला है। अगर अर्ली यानी कि शुरुआती दिनों में आप इसका ट्रीटमेंट ले लेंगे तो आपके लिए सेफ माना जाता है, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन आते हैं,